नमस्कार दोस्तों, ज्ञान विज्ञान के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम जो भी आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेकर के आते हैं या जो भी न्यूज़ लेकर के आते हैं वो आपके फायदे के लिए ही लेकर के आते हैं, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइएगा, ठीक है। क्योंकि हम जितने भी आपके इस लाइक और आपके सब्सक्राइबर देख के हम जो है एक मोटिवेशन हमें मिलता है और हम आपके लिए फिर और ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं और आपके लिए हम कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, ठीक है। तो देखिए, आज हम जो बात करने वाले हैं वो विकलांगजनों के लिए जो सरकारी नौकरी है उनसे संबंधित बात करना चाहेंगे। इसमें देखिए, आप जो है जो ऑप्शन होते हैं आपके जितने भी दिव्यांगजन हैं उनके लिए, यूपी जैसे यूपी पुलिस है और आपके दरोगा है, आपका आर्मी है, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, ऐसी जॉब तो बिल्कुल भी नहीं है जो आपके फिजिकल वर्क से होगी। आप सभी को पता होगा कि आप फिजिकल वर्क में नहीं जा सकते, तो आपके लिए अब कौन सी जॉब बचती है वो देखिए, वो है आपकी एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, टीचिंग या फिर आपका कोई भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम है उनसे संबंधित, ठीक है। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि आपको किस तरीके से और किस सब्जेक्ट की आपको तैयारी करना चाहिए। पहले देखिए, हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स की, उन बच्चों की जो अभी 12th पास हुए हैं या जिनकी ग्रेजुएशन अभी नहीं हुई है, ठीक है। उनके पास एक अलग चांस होता है, और जिनकी थोड़ी सी एज हो चुकी है और उनकी ग्रेजुएशन या बीएड हो चुकी है और अब या पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुकी है, तो उनके बारे में हम थोड़ा सा और विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम लेकर के चलते हैं इसमें जो बड़ी भर्ती होती है, हर साल आने वाली वैकेंसी होती है, वो आती है आपकी एसएससी और आपकी बैंकिंग। इन दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे और इसमें आपको आपको बताएंगे कि आपको किसकी तैयारी करनी चाहिए। अब एसएससी और एक तरफ हमने लिख दिया बैंकिंग। देखिए, एसएससी में आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आपकी अभी ग्रेजुएशन नहीं हुई तो फिर आप जो है बैंकिंग की तैयारी तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आप सिर्फ तैयारी कर सकते हो तो एसएससी की तैयारी कर सकते हो। एसएससी में जो आपके टॉपिक होते हैं वो जो आपकी जॉब होती है वो 10th में और 12th से रिलेटेड आपकी, यानी कि 10th अगर आपकी हुई है और आपकी 12th हुई है तो फिर आपको जो है इसमें जॉब मिलने के पूरे पूरे चांस हैं, ठीक है। अगर आपकी 12th नहीं हुई है और तो आप इसमें 10th से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपकी जो एज है वो 18 ईयर होनी चाहिए, ठीक है। और अगर हम बैंकिंग की बात करें तो इसमें हमेशा ग्रेजुएशन के बाद ही आपकी पोस्ट निकलती है। अब इसमें देखिए, अगर आपकी जो है जो वैकेंसीज होती हैं वो इसमें आपकी दो होती हैं, ठीक है, बैंकिंग में दो, और इसमें आपकी एमटीएस, आपके एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, आप इसमें जो है फेज 9, फेज 10 आ जाएगा वो, और आप स्टेनो। तो ये जो है जॉब के ऑफर आपके लिए इसमें रहेंगे, इसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसमें जो है आप 10th बेस पर सीएचएसएल 12, सीजीएल ग्रेजुएशन, और आपका ये तीनों में होता है, ठीक है। ये आपका 10th भी, 12th भी और आपकी ग्रेजुएशन भी, ठीक है। स्टेनो के लिए आपको जो है अलग से स्टेनो सीखनी पड़ेगी, ये एक स्टेनो का अलग से डिप्लोमा होता है। बैंकिंग में देखिए, इसमें सिर्फ आपको क्लर्क, IBPS, ठीक है, IBPS के, IBPS क्लर्क, और इसमें एक क्लर्क होता है RRB में, ठीक है, और इसमें आपका SBI में क्लर्क होता है, और इसमें PO होते हैं सेम, IBPS, IBPS RRB और SBI PO, ठीक है, PO। इसके अलावा आप LIC, ठीक है, अगर आप इनकी तैयारी करते हो तो इसमें LIC में AOO, तो इसका सिलेबस अलग है और इसका सिलेबस अलग है। अगर आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है और आप जो है तैयारी करना चाहेंगे तो आप बैंकिंग की तैयारी कर सकते हैं। हर साल वैकेंसी आती है और हैंडीकैप के लिए सभी कैटेगरी के लिए, चाहे वो OH हो, OH में कोई भी कैटेगरी हो, आपकी LD कैटेगरी हो, आपकी MD कैटेगरी हो, HH कैटेगरी हो, सभी कैटेगरी की अलग से उसमें वैकेंसी दिखाई जाती हैं। और आपका देखिए, इसमें जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा फास्ट होता है, इसमें आपको जल्दी जॉब मिल जाएगी अगर आपकी ग्रेजुएशन है, और इसमें आपको थोड़ी सी लेट ज्वाइनिंग मिलेगी, ठीक है। इसमें अगर मान लीजिए आपका रिजल्ट भी आता है तो उसका 1-2 साल बाद आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, लेकिन इसका प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि हर साल, देखिए इसका हर साल कैलेंडर आता है जनवरी के महीने में, और फिर उसका कैलेंडर जारी हो जाता है, तो हर साल टाइम पर ही नोटिफिकेशन आता है। वो बीच में पिछले साल जो है कोरोना की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया था, नहीं तो हर साल जो है प्रॉपर वैकेंसीज आती है, प्रॉपर तरीके से भर्ती इसके अंदर होती है। वहीं अगर SSC की बात करें तो इसमें भी आपके लिए, देखिए अगर आपका इसमें SSC में आप बात करोगे तो इसमें आपको मैथ, रीजनिंग, GK और आपका
इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश, ये चारों सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। अगर आप बैंकिंग की तैयारी करना चाहोगे तो आपको मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, ठीक है। इसका मैथ और रीजनिंग का सिलेबस थोड़ा सा अलग होता है, लेवल अलग होता है, कहने को मैथ और रीजनिंग सेम ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा पैटर्न में अलग अलग होता है। वो जब हम सिलेबस के बारे में बताएंगे आपको तो पूरी डिटेल में बता देंगे कि दोनों का सिलेबस क्या है। फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं वो बात आपकी कर रहे हैं कि आप एसएससी या बैंकिंग में से कौन सा चुनना चाहोगे। अगर आपकी अभी 10th या 12th हुई है और आपकी ग्रेजुएशन नहीं हुई है तो फिर आप जो है आप अभी एसएससी की तैयारी कीजिएगा, क्योंकि एसएससी की तैयारी करने से आपको बैंकिंग में जरूर फायदा मिलेगा, ऐसा कोई नहीं है। अगर देखिए आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो फिर आपको साथ में आपको एक बेनिफिट और मिल जाएगा, वो है स्टेट एग्जाम, ठीक है। अगर आपके स्टेट के एग्जाम है तो फिर आपको ये वही मैथ, वही आपका रीजनिंग, वो आपका वही सब कुछ है, आपकी जीके सेम आपका पैटर्न इसमें मिल जाएगा आपको देखने को। अब हम बात करेंगे देखिए रेलवे की, इतना जो है आपको समझ आ गया होगा, ये सब हैंडीकैप के लिए ही है। इसमें अलग से आपको वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, चाहे आपकी कोई भी कैटेगरी हो, और अगर आप इसमें तैयारी करते हो तो ये हर साल आने वाली वैकेंसी है। ये ऐसी वैकेंसी है जो हर साल आती ही आती है, तो आप इन पे पूरा फोकस कीजिएगा। अगर आपकी अभी एज मान लीजिए आपकी 18 या 20 है, ठीक है, आपकी एज 23 तक है, तो आप जो है इसी में आपको अपना फोकस करिएगा, इसी में अपना करियर बनाइएगा। क्योंकि अगर अभी आप जो है अदर स्टेट आप एग्जाम जरूर भरिएगा, आप फॉर्म सारे फिल किएगा, लेकिन आप जो है तैयारी सिर्फ एसएससी की करिएगा अभी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा औरों के कंपैरिजन अगर आप मेहनत करोगे तो फिर आपको चांस मिलेगा कि हम अगर एक बार फेल हो गए तो फिर हम दोबारा फिर किसी ना किसी एग्जाम में बैठेंगे और हमारी सही तैयारी हमारे सेम काम आएगी। मान लीजिए आप एमटीएस देते हो या आप सीएचएसएल देते हो तो फिर उसके बाद सीजीएल आपका है, तो आप हो सकता है सीएचएसएल में आपका नंबर ना आए, लेकिन सीजीएल में आपके चांसेस हैं कि आपका नंबर आ जाएगा। और वैकेंसीज इसमें ठीक ठाक होती है, ऐसी बात नहीं कि वैकेंसीज कम होती है, आप मेहनत कीजिएगा तो वैकेंसी जो है आपकी जरूर फिल होगी। अब हम बात करते हैं रेलवे की, इसके बाद हम बता रहे हैं आपको रेलवे के बारे में। देखिए आप वीडियो से जरूर जुड़े रहिएगा, लास्ट तक जुड़े रहिएगा, आपको जानकारी जरूर मिलेगी, आपको इस वीडियो से लाभ जरूर होगा, नॉलेज आपको जरूर मिलेगी। अब रेलवे में देखिए, रेलवे में आपके कई तरह के आते हैं, जैसे एक तो आपने आपकी ग्रेजुएशन के हिसाब से मान लीजिए आपने बीटेक या पॉलिटेक्निक की हुई है तो फिर आप जो है जेई वगैरह के इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ठीक है, अगर आपकी स्पेशल क्वालिफिकेशन है बीटेक। इसमें आपका एएलपी भी वही आपका ज्यादातर टेक्निकल ही होता है एएलपी भी, और आपका इसमें एनटीपीसी और ग्रुप डी, एनटीपीसी और ग्रुप डी ये दोनों भर्तियां जो है सबसे ज्यादा हाई लेवल की भर्तियां हैं, मतलब फॉर्म फिलअप होने में, ठीक है। वैसे तो ग्रुप डी सबसे निचले लेवल की भर्ती है, लेकिन जब जॉब नहीं मिल रही तो उसके लिए तो ये सबसे ऊपर की भर्ती है, सबसे हाई लेवल की भर्ती है ग्रुप डी, ठीक है। और ग्रुप डी में देखिए फॉर्म की संख्या इस बार तो अच्छी खासी आई हुई है, कभी इसमें कम आ जाती है, लेकिन रेलवे का प्रोसेस क्या है कि रेलवे 5 साल में एक बार भर्ती निकालता है, ठीक है। अगर आप स्पेशली रेलवे के ऊपर ही डिपेंड रहोगे तो फिर आपका कोई फायदा नहीं है, ये तो जब फॉर्म आएंगे तब आप रेलवे में फिल कीजिएगा। और वैसे सबसे ज्यादा जो फॉर्म की संख्या होती है वो रेलवे में भी होती है, चाहे वो हैंडीकैप की संख्या हो, चाहे वो आपकी अदर की संख्या हो, ठीक है, चाहे जनरल की बात करें, क्योंकि रेलवे डिपार्टमेंट एक अच्छा डिपार्टमेंट है स्टार्टिंग से ही सरकारी नौकरी को लेकर के। और अब तक तो रेलवे जो था प्योरीफाई सरकारी ही था, लेकिन अब जो है वो प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ चुका है। तो पहले अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन आता था कि सबसे ज्यादा जो सरकारी है अब तक वो कौन सा डिपार्टमेंट है, तो वो रेलवे डिपार्टमेंट था जो प्योर सरकारी था, लेकिन अब उसमें प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, तो उसमें जो है भर्तियां अब कम होती जा रही हैं। और कई कई साल इसको होने में, इसके फॉर्म फिल होने के बाद, आपको पता होगा 2019 में इसके फॉर्म फिल हुए थे और अब तक इसके जो है एग्जाम नहीं हुए। तो इस तरीके से आप जो है रेलवे में अपना फॉर्म भर सकते हो, लेकिन जब वैकेंसी आए तब, उससे पहले आप एसएससी की तैयारी करते रहिएगा तो आप जो है इसमें अभी आपको फिर फायदा मिलेगा, ठीक है। बैंकिंग की ऐसी है, देखिए बैंकिंग का रिक्वायरमेंट, बैंकिंग का सिलेबस एक ऐसा है जो बैंकिंग की तरफ ही आपको लेकर के जाएगा, आपको उसमें कई मौके मिलेंगे, चांस उसमें आपको अच्छे खासे मिलेंगे, लेकिन आपको सिर्फ पूरा फोकस वो बैंकिंग पर ही करना पड़ेगा, उसमें आपको जीके नहीं उठानी पड़ेगी, ठीक है। उसमें आपको हिस्ट्री नहीं पढ़नी, ज्योग्राफी नहीं पढ़नी, आपको पॉलिटी नहीं पढ़नी, जिसका जिसे लगता है कि मेरा मैथ और रीजनिंग अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है और इंग्लिश भी उसको ठीक ठाक आती है, तो फिर वो जो है तैयारी अपनी बैंकिंग की तरफ जाइएगा, क्योंकि मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश ही उसमें है। और करंट अफेयर आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा बहुत, आप बैंकिंग सेक्टर का ज्ञान, इकोनॉमिक्स का ज्ञान, छोटे मोटे क्वेश्चन वही करंट अफेयर वाले ही तो आप पढ़ोगे तो आपका उसमें सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। और अगर आप एसएससी की तैयारी करते हो तो वो सभी एग्जाम में आपको बेनिफिट देगा, वो आपको रेलवे में भी फायदा देगा, क्योंकि रेलवे का सिलेबस सेम ही है, उसमें इंग्लिश नहीं है, तो फिर सिलेबस बिल्कुल सेम है, तो वो आपको रेलवे में फायदा देगा। और अगर स्टेट की बात करें तो आपको उसमें कुछ ऐसे होते हैं, अब हम बात कर लेते हैं, चलिए आपकी स्टेट एग्जाम की बात कर लेते हैं।
स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम। देखिए स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम में क्या है, जैसे आपका यूपी लेखपाल हो गया, ठीक है, राजस्थान लेखपाल हो गया आपका, ये सब लेखपाल की भर्ती है, वीडियो हो गई आपकी, ठीक है, कानूगो हो गया आपका, इसके अलावा आपका जो पीसीएस है वो हो गया, और भी भर्ती जैसे आपकी वो ग्राम विकास अधिकारी हो गया, इसमें ऐसी और तमाम भर्तियां छोटी छोटी भर्तियां कोर्ट की, ठीक है, आपकी कोर्ट की भर्तियां आती रहती हैं आपकी स्टेट के अंदर, तो और भी वैकेंसीज में निकलती रहती हैं। तो अगर आप जो है इसमें भी क्या होता है, प्रोसीजर थोड़ा लंबा होता है, वैकेंसी काफ़ी टाइम के बाद आती है, ऐसा नहीं है कि आपने अगर इस बार लेखपाल दिया तो फिर आपको मौका मिलेगा दोबारा इतनी जल्दी देने का, हो सकता है आपको 5 साल 7 साल इससे पहले आपका जो है सिलेक्शन ही हो जाए किसी और भर्ती में और आप तैयारी भी तब तक छोड़ दो, तो इस वजह से आप जो है एसएससी की तैयारी करते रहोगे तो फिर जो है आपको इनमें मौका मिलेगा। अब देखिए मान लीजिए जिनकी जो जॉब है जो एज है वो 23 से ऊपर हो चुकी है और उन्होंने स्पेशली रेलवे का एग्जाम के ऊपर फोकस है, या फिर उनका आपका लेखपाल के ऊपर है, वीडियो के ऊपर है, फिर किसी पीसीएस के ऊपर है, तो फिर वो फोकस उसी की तरफ रखिएगा, क्योंकि वो आपको फिर इतना टाइम नहीं है कि आप जो है अलग अलग से सबकी तैयारी करो, तो फिर जो है आप अपना एक ही भर्ती के ऊपर झोंक दो कि हमें जो है इसमें आर या पार, ठीक, तो आप इस तरीके से जो है तैयारी अपनी कर सकते हो। अगर हम बात करें टीचिंग के लिए, देखिए अगर हम बात करें टीचिंग के लिए, तो टीचिंग और बैंकिंग सबसे अच्छी एक तरह की जॉब है हैंडीकैप के लिए, जो आसानी से कर सकते हैं, एलआईसी की, टीचिंग की, बैंकिंग की, और आपकी कोर्ट की, ऐसी वैकेंसी जो है आप अच्छी तरीके से, आपको आने जाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको बैठने की नौकरी मिलेगी बिल्कुल आराम से, आप सुबह जाओ शाम को वापस आओ, आपका कोई शिफ्ट का चक्कर नहीं है, कोई शिफ्ट का झंझट नहीं है। मान लीजिए आपकी ग्रुप डी में लगती है तो ग्रुप डी में रेलवे में आपको जो है शिफ्ट का कहीं ना कहीं झंझट हो सकता है कि इस सुबह को या रात को ड्यूटी करनी पड़ सकती है, लेकिन अगर आप टीचिंग करोगे, आप बैंकिंग की तरफ जाओगे तो आपको जो है फिर नाइट ड्यूटी तो बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ेगी और आराम से संडे की छुट्टी और घर पे आराम से आप रहोगे। और टीचिंग में देखिए आपको पता है कि आपका जो रिक्वायरमेंट होती है वो आपकी ग्रेजुएशन तो होती है, प्लस बीएड होती है, और प्लस आपके पास है जो मास्टर डिग्री है, मास्टर डिग्री से आप पीजीटी, टीजीटी, देखिए अगर आप टीजीटी, पीजीटी इन सब की तैयारी कर रहे हो तो फिर इन्हीं पर अपना फोकस रखिएगा, क्योंकि आप जो है कहीं भी प्राइवेट फील्ड में पढ़ा सकते हो और अपना अच्छा खासा जो है उसमें भी करियर बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट में आपका करियर नहीं है, बहुत सारे स्कूल हैं, बहुत सारी आपकी संस्थाएं हैं, बहुत सारे कोचिंग सेंटर हैं, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो आपको प्राइवेट जॉब देगी, ठीक है। तो अगर आपका टीचिंग के ऊपर है तो बिल्कुल आप तैयारी में लगे रहिएगा टीचिंग में, और टीचिंग की तरफ अपना पूरा फोकस कीजिएगा, यूपी टेट, सी टेट अच्छी तरीके से उनकी तैयारी कीजिएगा। इसके अलावा आप बाकी जो भी ऐसे हैं कि आपको लगता है कि इसमें मेरा सिलेक्शन हो सकता है, ऐसे कई बार फॉर्म निकल जाते हैं, तो उनमें भी आप लगे रहिएगा और उनकी भी तैयारी आप अच्छे से करिएगा, ठीक है। और हमारे इस चैनल को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा उन भाई बहनों के पास, उनके पास शेयर कीजिएगा जिन्हें इस चैनल की जरूरत है, और जो कहीं ना कहीं जिनको पता नहीं है कि किस तरीके से जो है एक विकलांगजन सरकारी नौकरी ले सकता है और सरकारी नौकरी के उसको फायदे हैं और किस तरीके से वो तैयारी करे। देखिए घर पर रहकर ये भी मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा कि घर पर रहकर जो है विकलांगजन कैसे तैयारी कर सकते हैं और किस तरीके से अभी कैसा एक ट्रेंड चला हुआ है अपनी तैयारी को लेकर के, आप जो है हमारे इस चैनल से भी जुड़े रहिएगा। जल्दी हमारे जो है हम कहीं ना कहीं आपके लिए क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स था तो। बाकी इस चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको हमारी तरफ से जानकारी कैसी लगी, और हाँ आप हमें अपने बारे में भी जरूर बताइएगा, हमें आपसे बातें करना और आपसे मिलना अच्छा लगता है। धन्यवाद।